फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का स्काई टेक चैनल में। और आज हम आप लोगों को बताएंगे, MCCB सामने देख रहे हैं, MCCB 9x3 है और यहाँ पे एक छोटा सा पंप रूम है, देख रहे हैं आप, एक पंप रूम का एरिया है यहाँ पे। इसमें छोटा छोटा मोटर वोटर है, टैंक है, हीट वाटर और कूल्ड वाटर का सिस्टम है यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पहले से देखिए एक MCCP पैनल लगा हुआ था जो यहाँ से मतलब इसका सप्लाई जा रहा था कुछ पंप का और मोटर का, लेकिन अभी कुछ एडिशनल इसमें पंप आ गया। उसके साथ में यहाँ पे जगह खाली नहीं होने पे, MCCB खाली नहीं होने पे, एक और SMDB हम लोग को वहाँ पे लगाना पड़ा, देख रहे हैं आप। SMDB वहाँ पर लगा के अभी आप लोग को बताएंगे इसका मतलब कैसे ग्लैंडिंग और SMDB में क्या क्या सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देंगे आप लोगों को। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो इसका इनकमर है लिखा हुआ है, देखिए इसमें टैग है, टैग में आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम MDB 9 टू MCCP 9x3, यानी कि इसका जो इनकमर सप्लाई है MDB 9 से आ रहा है। 185 का वो केबल है और यहाँ पे उसको ये पैनल को चालू करने के लिए ये वाला मेन केबल है, आप देख रहे हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं आउटपुट कितना गया है, आउटपुट 3, 1, 4 और एक उधर 5 केबल आउटपुट जा रहा है, 5 केबल आउटपुट जा रहा है। तो ये 3 केबल जो आउटपुट है ये इसका है, 1, 2, 3 ऐसा वाला 3 हीट पंप लगा हुआ है, जिसमें देख रहे हैं आप 35 का केबल इसमें कनेक्ट है, यानी कि 3 इसका ये MCCP से 3 हीट पंप का जा रहा है और 2 जो उधर आप देख रहे हैं, जूम करके दिखा रहे हैं, ये जो पैनल देख रहे हैं आप, इसका एक इनकमर जा रहा है, वो पंप का है, वो जो मोटर लगा हुआ है ना, वो मोटर का पंप का वो पैनल है, वहाँ पे डायरेक्ट उसके सप्लाई दे रहा है, वहाँ पे उसका सब कंट्रोलिंग पैनल लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट और ऑन ऑफ करता रहेगा, यानी कि 3। और उधर साइड में आप देख रहे हैं पैनल, ये जो हीट पंप के सबसे लास्ट में ये 3-5 आउटपुट उसका चला गया। अभी क्या है कि ये देखिए एक एडिशनल ये पैनल आ गया पंप रूम में, ये जो आप देख रहे हैं एडिशनल, अभी उसको हम लोग को सप्लाई देने के लिए इसमें जगह नहीं था। ये जो MCCB है, इसका मतलब जो भी MCCB है वो फुल हो चुका था, इसके लिए एक और SMDB का रिक्वायरमेंट पड़ गया यहाँ पे लगाने के लिए, तो SMDB यहाँ पे 9x3 लगाया। अभी देखिए यहाँ पे इसका ये जो मीटर आपको शो कर रहा है, अभी किलो वाट पर घंटा आवर दिखा रहा है, 1.55 दिखा रहा है मीटिंग, यानी अभी टोटल है 371 किलो वाट अभी दिखा रहा है, 371। अभी इसका देखिए वोल्टेज क्या दिखा रहा है, अभी ये तीनों फेस का यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है, देखिए फेस वन यानी कि R फेस का 230 दिखा रहा है, Y का 231 और B का 231 भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, तीनों फेस का भी दिखा रहा है, एक फेस में कितना वोल्टेज आ रहा है। इसके बाद में अगर एम्पियर देखा जाए इसका, तब ये देखिए वोल्टेज दिखा रहा है, ये फेस टू फेस का वोल्टेज दिखा रहा है, ये 400R और Y का 400 दिखा रहा है, उसी तरह Y B का 400, फिर B और Y का भी दिखा रहा है 400। उसके बाद में एम्पियर दिखा रहा है, यहाँ पे एम्पियर आपकी दिखा रहा है आपको, आर फेस पे कितना एम्पियर का लोड है, वाई पे कितना का है, बी पे कितना का है, ये 16, 18 और 17 इस तरह का लोड है यहाँ पे, यानी कि एक ये मल्टीफंक्शनल मीटर है। यहाँ पे आप तीनों देख सकते हैं, बोल्ट भी देख सकते हैं, एम्पियर भी चेक कर सकते हैं, किलो वाट भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में ये आप SMDB देख रहे हैं, SMDB का अभी ये नया इंस्टॉल किए हैं हम लोग। इसके बाद में यहाँ पे अभी इसका ग्लैंडिंग टर्मिनेशन बाकी है, लेकिन ग्लैंड अभी एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे, देखिए ये 2 केवल अभी 3 फेस के लिए, यानी कि एक इनकमर केवल है, ये DB को स्टार्ट करने के लिए एक इनकमर केवल है, जो कि हम लोग MCCP यहाँ पे एक मतलब MCCB दूसरा एडिशनल ऐड किए हैं, जो कि यहाँ से सप्लाई उसको आउटपुट वहाँ देगा। देखिए उसका केवल यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, केवल डाल के रखा है और यहाँ से अभी ये यहाँ पे आ गया, वो केवल ये ट्रेस होके ऐसे ऐसे घूम के ट्रेस से यहाँ पे आया,
अभी ये केवल क्या करेगा, ये केवल को हम लोग यहाँ पे ग्राइंडिंग तो कर चुके हैं, उसके बाद में अभी परमानेंटली यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। और ये जो केवल एक देख रहे हैं ये वाला, ये आउटपुट जाएगा यहाँ से, ये तो इनकमर हो गया चालू करने के लिए SMDB को, ये आउटपुट जा रहा है। आउटपुट ये कहाँ जाएगा, अभी आपको दिखाया ना, वो अभी पंप जो चल रहा है वो टेम्प्रोरी सप्लाई से अभी चल रहा है, अभी उसका केवल आप देख रहे हैं नीचे होगा, अभी वो केवल को यहाँ पे मतलब हम लोग परमानेंटली यहाँ से उसको आउटगोइंग करेंगे, तो फिर यहाँ से उसका पावर जाएगा, परमानेंटली हो जाएगा वो। उसके बाद में अभी इसका थोड़ा सा सिस्टम के बारे में आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये आइसोलेटर SMDB में क्या होता है, SMDB मान लीजिए इनकमर आता है, इनकमर से उसको ऑन ऑफ करिएगा तो वहाँ से आउटगोइंग सप्लाई जाता है, SMDB का मतलब ये है SMDB से। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो आइसोलेटर लगा हुआ है ये ऑन ऑफ होता है, अभी ये ऑफ पोजीशन में है, यहाँ पे इनकमर केवल का कनेक्शन होगा। ये जो तीन केवल आप देख रहे हैं, तीन केवल जो RYB है डायरेक्ट जा रहा है यहाँ पे फ्यूज में, ये फ्यूज में जा रहा है, फ्यूज से आउटपुट होके यहाँ पे आएगा वो लाइट का इंडिकेशन में, ये जो देख रहे हैं तीनों, यानी कि ये तीनों जो लगा हुआ है ना डीवी पे लगा होता है RYB। और वही आपको बताया ना, ये SMDB का जो मतलब, अभी देखिए ये SMDB मान लीजिए बंद है, और यहाँ पे इसको हम लोग को देखना है कि SMDB में इनकमर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तीन यहाँ पे इंडिकेटर लगाया जाता है, आर फेज का, वाई फेज का, बी फेज का। ये तीनों इंडिकेटर के लिए वही आपको वायरिंग दिखाया अंदर, जो ये डायरेक्ट इनकमर से उठ के जा रहा है, ये डायरेक्ट इनकमर, इसे यहाँ पे कोई ऑन ऑफ नहीं है। अगर MCCB से सप्लाई डायरेक्ट आएगा तो यहाँ से वो डायरेक्ट ये फ्यूज में जाएगा, और ये फ्यूज अगर लगा होगा तो फ्यूज से डायरेक्ट आउटपुट होके ये वायर के थ्रू आके ये सीधा इंडिकेटर में जाएगा, वहाँ से एक न्यूट्रल और इसको फेस मिल रहा है, तीनों फेस का, आर का भी, बी का है, वाई का है, आर का है, ये तीनों फेस का इंडिकेटर दिखा रहा है कि मतलब तीनों फेस का सप्लाई इनकमर में है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं, देखिए मान लीजिए ये SMDB है, अभी ये स्विच ऑफ है फिर भी इंडिकेटर ऑन रहेगा, स्विच ऑफ है फिर भी इंडिकेटर वो मतलब ऑन रहेगा, ये खाली इसके लिए कि इनकमर सप्लाई ये DB में ऑन है, ये ऑन ऑफ से उसका इंडिकेटर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट ऑन रहेगा, ऑन रहेगा, ये ऑन ऑफ कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद में देखिए, ये इनकमर हो गया, फिर से उसके बाद इंडिकेटर में चला गया, इंडिकेटर आपको दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ से जब ये स्विच ऑन करेंगे, आइसोलेटर को अभी ऑफ है, ऑन करेंगे, उसके बाद में आएगा यहाँ बस बार में ये तीनों फेस आ रहा है, RYB तीनों आ रहे हैं, यहाँ से आके डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जैसे ये सिंगल पोल का लगा हुआ है MCCB, सिंगल पोल का MCCB ये लगा हुआ है, इसमें मान लीजिए आपको RYB ये तीनों का जा रहा है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस। अभी मान लीजिए सिंगल फेस का ये हो गया, ये वन पोल का MCCB है, तो सिंगल मतलब सिंगल फेस का है MCCB, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए आर फेस का हमको कोई सप्लाई आउटगोइंग कराना है, तो इसके सामने आर फेस का ये देखिए यहाँ से जा रहा है ए वाला ELCB में, ए ELCB में इधर से हम लोग फेस न्यूट्रल, यहाँ से कोई वायर अगर दूसरी जगह सॉकेट वॉकेट में कहीं पर लेके जाना है तो वहाँ से आउटपुट करा सकते हैं। यहाँ ये ELCB का न्यूट्रल, यहाँ से ये जो बस बार है, बस बार से ELCB में जा रहा है, MCCB से एक फेस ELCB में जा रहा है, ELCB से फिर आउटपुट होगा। ये मतलब कोई सेंसिटिव पॉइंट है जहाँ पे मान लीजिए ट्रिपिंग का ज़रूरत है, वहाँ पे ELCB का लगाया जाता है, नहीं तो डायरेक्ट ये देखिए दूसरा है, तो यहाँ से डायरेक्ट ये आउटगोइंग हो जाएगा। ये अभी आर फेस है, वाई फेस यहाँ पे इम्पैटी है, खाली है बी फेस का, यहाँ से एक फेस ले जाएंगे सिंगल फेस का, और इसका एक अर्थ मान लीजिए यहाँ पर अर्थ, बॉडी अर्थ यहाँ पर दे देंगे, और जो न्यूट्रल वायर होगा यहाँ पर दे देंगे, यानी कि तीन जगह से लेके जाना पड़ेगा यहाँ से आउटगोइंग। ये खाली फेस को ऑन ऑफ करेगा, न्यूट्रल और अर्थ आपका डायरेक्ट जाता रहेगा, ओके। उसके बाद में आपका आउटगोइंग सप्लाई यहाँ पे आ गया, आउटगोइंग से अभी बस बार में से आके डिस्ट्रीब्यूट होगा सप्लाई, ये सिंगल पोल का, सिंगल फेस का है MCCB, यहाँ से हो गया वहाँ पे, ये देखिए थ्री फेस का, ये थ्री फेस का लगा हुआ है, अभी यहाँ पे बस बार में, यानी कि बस बार से आउटपुट हो रहा है तीनों RYB, ये तीनों फेस यहाँ से ये MCCB में कनेक्ट हो गया अंदर ही अंदर, और यहाँ से जब ऑन करेंगे तो आउटपुट सप्लाई इधर से निकालेगा, थ्री फेस RYB तीनों फेस निकालेगा, और मान लीजिए यहाँ पर न्यूट्रल का बस बार है,
तो इसका जब न्यूट्रल का ज़रूरत होगा तो न्यूट्रल का यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल डायरेक्ट उसको मिलता रहेगा, फिर अर्थ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। बस ये सिस्टम है इसका, ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं है इसमें। पूरा रिव्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये SMDB है, ऊपर इनकमर कनेक्ट हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आउटपुट सप्लाई निकालेगा। अभी यहाँ पे ये वाला SMDB में मीटर आप नहीं देखे, मीटर नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों पास में ये DB है, पास में DB है, तो मीटर का अभी यहाँ पे ये DB का कितना लोड है, यहाँ से जो आउटपुट सप्लाई हो रहा है ये मीटर से हमको मालूम चल जाएगा। उसके लिए यहाँ पर मल्टी फंक्शनल मीटर का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए दोनों साथ में DB वहाँ पर, वो DB में मीटर नहीं लगाया गया है। अगर फ्यूचर में उसको ज़रूरत पड़ेगा तो लगाएगा। ओके गाइज, अभी पूरा कनेक्ट करने के बाद में, पूरा टर्मिनेशन कनेक्शन करने के बाद में एक बार आपको रिव्यू ज़रूर दिखाएंगे, और उसके बाद में आपको बताएंगे इसके लिए मतलब लुक कैसा आता है, पूरा होने के बाद में आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इनकमर केबल उसका पड़ा हुआ है, ऐसे पहले हम आउटगोइंग यानी कि SMDP साइड में कनेक्शन पूरा ओके कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे इसको पैनल को ऑफ करके उसमें कनेक्शन करना पड़ेगा। ओके, बाद में और बताते हैं। और दोस्तों अभी देखिए फाइनली अभी हमारा कनेक्शन टर्मिनेशन सब ओके हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे खाली ग्लैंड किया हुआ था, अभी देखिए इसको ड्रेसिंग करके ऊपर ग्लैंडिंग हो चुका है, ग्लैंडिंग करके अभी ड्रेसिंग करके यहाँ पे कनेक्शन SMDP का ओके हो चुका है। देखिए अभी इसका कनेक्शन में ये जो मेन केबल पहले बताया था हमें, ये वाला जो मेन केबल यहाँ पे इनकमर हो गया, इनकमर में कनेक्शन हो गया, और इसका जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल का बस वायर से लग गया, और ये वाला जो आउटगोइंग है, और इसके बाद में ये वाला जो मेन इनकमर का अर्थिंग है, और ये जो एक अर्थ यहाँ पे जा रहा है बॉडी अर्थ के लिए, यहाँ पे जो ग्लैंड में अर्थ किया हुआ है बॉडी अर्थ, और एक ये जो केबल है, ये केबल के साथ में मतलब एक अर्थ आता है, जिधर भी अगर इनकमर केबल का अर्थ आएगा तो आउटगोइंग केबल का भी अर्थ एक जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 फेज का एक कनेक्शन आउटपुट हुआ है, यहाँ पे वही जो केबल दूसरा वाला केबल है, और बाकी जो अभी इसमें ये जो LCB लगा है, यहाँ पे अभी सॉकेट का सर्किट, कुछ लाइट पॉइंट का सर्किट, कुछ DB का सर्किट अभी बाकी है आने के लिए, जो अभी यहाँ पर होल मार के ऑलरेडी रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर वो होल से यहाँ पर एंट्री होगा दूसरा वायर, और ये ट्रंकिंग में इधर कनेक्ट होगा। बाकी ये वायर देख रहे हैं, अभी एक वायर का सर्किट बाकी है, और भी एक पाइप बाकी है, वो पाइप से वायर आएगा, इसमें कुछ सर्किट बाकी है, उसके बाद में ADB को ऑन करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, ऐसा करता हूँ वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी प्राप्त हुआ गया SMDP के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नया वीडियो में, कुछ जानकारी वाला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स।